बिहार का पहला मॉडल सदर अस्पताल आरा में तैयार, तीनों फ्लोर को ऐसे किया डिजाइन, तेजस्वी सत्र को करेंगे उद्घाटन। बिहार मॉडल सदर हॉस्पिटल भोजपुर जिले में बिहार का पहला मॉडल सदर अस्पताल बनकर तैयार हो चुका है। अस्पताल का उद्घाटन 17 जुलाई को बिहार के उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री तेजस्वी यादव करेंगे। पूरी तरह से वातानुकूलित इस भवन में सभी बेडों पर ऑक्सीजन प्लांट से पाइपलाइन के जरिए ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। आरा सूबे के कई जिलों में मॉडल सदर अस्पताल बनाने का काम चल रहा है, लेकिन भोजपुर जिले में बिहार का पहला मॉडल सदर अस्पताल बनकर लगभग तैयार हो चुका है। जोर शोर से शुरू हुई तैयारियां अब यहां अंतिम चरण में है। अस्पताल की पूरी तरह से तैयार हो जाने के बाद उसका उद्घाटन 17 जुलाई को बिहार के उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री तेजस्वी यादव करेंगे। बिहार का पहला मॉडल सदर अस्पताल अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस 15 करोड़ रुपए की लागत से बने और 300 बेड के इस नए 3 मंजिला भवन के ग्राउंड फ्लोर पर इमरजेंसी वार्ड को स्थानांतरित किया जाएगा, जहां मरीजों को दी जाने वाली उच्च स्तरीय आधुनिक सेवाएं एवं सुविधाएं उपलब्ध होंगी। वहीं फर्स्ट फ्लोर पर सर्जिकल वार्ड एवं मेडिकल वार्ड तथा सेकेंड फ्लोर पर ICU और OT को स्थानांतरित किया जाएगा। पूरी तरह से वातानुकूलित इस भवन में सभी बेडों पर ऑक्सीजन प्लांट से पाइपलाइन के जरिए ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ग्राउंड फ्लोर पर होगा इमरजेंसी वार्ड। आपातकालीन मरीजों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नए मॉडल सदर अस्पताल भवन में इमरजेंसी वार्ड को ग्राउंड फ्लोर पर जगह दी गई है। इस वार्ड में प्रवेश करते ही मरीजों की आरंभिक जाँच के लिए ट्रायज रूम बनाया जाएगा। जांच के बाद बीमारी के स्तर को देखते हुए मरीजों को इमरजेंसी वार्ड के येलो, ग्रीन व रेड रूम में शिफ्ट किया जाएगा। फर्स्ट फ्लोर पर होगा मेडिकल और सर्जरी वार्ड। मॉडल सदर अस्पताल के नए भवन में ग्राउंड फ्लोर के ठीक ऊपर फर्स्ट फ्लोर और मेडिकल वार्ड तथा सर्जरी वार्डों को स्थापित किया जाएगा, जहाँ इंडोर सेवा के तहत मरीजों को भर्ती किया जाएगा। नए भवन में मरीजों के लिए कुल 300 बेड लगाए जाएंगे, जिसमें सर्वाधिक बेड मेडिकल और सर्जरी वार्ड में उपलब्ध होंगे। सभी बेडों पर ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सेकंड फ्लोर पर होगा ICU और OT। नए भवन के टॉप फ्लोर यानी सेकंड फ्लोर पर ICU और ऑपरेशन थिएटर को स्थापित किया जाएगा, जहां मरीजों को लाने और ले जाने के लिए लिफ्ट भी लगाई जाएगी। ICU और OT दोनों जगह मरीजों के लिए उच्च गुणवत्तापूर्ण चिकित्सकीय सेवाएं और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिसके लिए कई अत्याधुनिक उपकरण भी लगाए जा रहे हैं। सदर अस्पताल के प्रबंधक शशिकांत ने बताया कि नए मॉडल अस्पताल भवन के उद्घाटन से पहले निर्माण कार्य को अंतिम रूप देने में बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ तकनीकी टीम काफी जोर शोर से लगी हुई है। फिलहाल नए भवन में इमरजेंसी वार्ड, मेडिकल वार्ड, सर्जिकल वार्ड, ICU और OT को स्थापित किया जाएगा।